नाम सद्दाम हुसैन, घर गांवा का बादीडी, लेकिन सोशल मीडिया में प्रोफाइल दूसरे नाम का। इस प्रोफाइल में नाम के साथ साथ पूरा बायोडाटा चेंज कर यह काम करता है महिलाओं व लड़कियों को फंसाने का। इस युवक ने अब तक कई महिला व लड़कियों की जिंदगी खराब की है। शादीशुदा बाल बच्चेदार या युवक इस बार भी एक महिला को न सिर्फ अपने जाल में फंसाया बल्कि उसकी मांग में सिंदूर डाल दिया। इसके बाद महिला का यौन शोषण कर उसे तरह तरह की धमकी देने लगा। महिला के पूरे परिवार को खत्म करने की धमकी देकर यह युवक उक्त महिला को कोलकाता ले जाने की तैयारी में था, लेकिन इसकी जानकारी गिरिडीह के एसपी दीपक कुमार शर्मा को लग गई। गिरिडीह के एसपी ने साइबर डीएसपी संदीप सुमन के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर लिया और इस टीम ने युवक को पारसनाथ रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया। यह युवक इस तरह की हरकत कई महिलाओं व लड़कियों के साथ कर चुका है। इससे पहले यह युवक गंभीर कांडों में जेल जा चुका है। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का भी आरोप इस युवक पर लगा है। इस मामले में भी युवक जेल जा चुका है। 9 सितंबर 2023 को निमियागढ़ थाना क्षेत्र की एक महिला द्वारा आवेदन देकर के गांवा थाना क्षेत्र के सद्दाम हुसैन पिता कुदुस मियाँ पर आरोप लगाया गया था कि उसने फर्जी प्रोफाइल बनाकर सोशल मीडिया पर पहले दोस्ती की, फिर लगातार यौन शोषण किया तथा बाद में विरोध किए जाने पर धमकी देते हुए अश्लील फोटो वीडियो वायरल कर दिया। मामला संज्ञान में आते ही एसपी महोदय द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया तथा छापेमारी दल का गठन किया गया। मेरे नेतृत्व में साइबर थाना की टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए पारसनाथ स्टेशन के पास से सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार किया गया। यह गिरफ्तारी उस समय हुई जब वह जबरन महिला को कोलकाता ले जाने का प्रयास कर रहा था। इस कांड के अलावा सद्दाम हुसैन पर पूर्व में भी दो कांड दर्ज हुए थे जिसमें वह जेल गया है, जिसमें साइबर थाना कांड संख्या 422 तथा गांवा थाना कांड संख्या 3421 शामिल है। इन कांडों में पॉक्सो, किडनैपिंग तथा सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने जैसे गंभीर मामलों में पूर्व में जेल जा चुका है। हमारी जानकारी के अनुसार यह चौथा प्रयास था उसका शादी का। पूर्व में तीन महिलाओं के साथ वह ऐसा कर चुका है जिसमें एक उसकी पत्नी घर पर है, दो बच्चे भी हैं उसके, और दो अन्य जो प्रयास उसने किए तो उसमें वो जेल गया था वो, तथा यह तीसरा प्रयास उसका है विवाह। इस बार जबरन सिंदूर डालने का प्रयास किया गया था। हाँ, उसका जबरन सिंदूर भी उसने डाला तथा अश्लील वीडियो और फोटो भी उसने बनाया था शोषण के दौरान, और उसी को वायरल करके वह कोलकाता ले जाने की धमकी दे रहा था कि तुम साथ में नहीं जाओगी तो मैं और वायरल करूँगा।